हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ना एकदम हलवाई स्टाइल पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी शादियों में मिलने वाले शाही पनीर की रेसिपी। तो शादियों में शाही पनीर किस तरह से बनाया जाता है कि ताकि इसका टेस्ट जो है वो एकदम लाजवाब लगे, आज वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल शाही पनीर से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पे 3 मीडियम साइज के ना प्याज ले लें। तो प्याज को आप इस तरह से लंबा लंबा कट कर सकते हैं या ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 10 से 15 मैंने काजू जो है वो गर्म पानी में भिगो कर छोड़ दिए थे। आधे घंटे के लिए मैंने इन्हें भिगोया था। सब चीजें यहाँ पे मैंने ले ली हैं। अब क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। ऑयल उतना ही लें जितना आप इस सब्जी बनाने में यूज करें। तो ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। ऑयल को अच्छे से हमें पहले गरम कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे ना तभी आप रेसिपी को अच्छे से बना पाएंगे। तो ऑयल को ना हमें यहाँ पे अच्छे से गरम कर लेना है। अब ऑयल हो गया है यहाँ पे बढ़िया से गरम, अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें एक धुआं सा आ रहा है। अब ये जो प्याज है वो हमें यहाँ पे फ्राई कर लेने हैं, बिल्कुल जैसे बिरयानी बनाने के लिए प्याज को फ्राई किया जाता है, बस उसी तरह से हमें यहाँ पे प्याज को फ्राई कर लेना है, यानी कि इसका रिश्ता बना लेना है। तो अच्छे से ना हम इसे यहाँ पे फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम शादियों में ना शाही पनीर खाते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि ये रेसिपी हमारे घर पर बनी हुई रेसिपी से डिफरेंट कैसी है। तो आज मैं बिल्कुल हलवाई वाली सीक्रेट्स आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हलवाई बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स लगाकर सिंपल सी एक रेसिपी को किस तरह से चेंज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा अनियन है वो काफी हल्का सा ना ब्राउन होना शुरू हो गया है। हल्का सा इसे मैं और ब्राउन करूंगी, आप चाहें तो इसी स्टेज पर ना अनियन को निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अनियन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हमें इसे जलाना नहीं है, अच्छे से बस इसका कलर चेंज करना है। आप चाहे तो जो हल्का पहले कलर चेंज हुआ था उसमें भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्राउन किया है। तो देखिए, अनियन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगी ना, इसमें मैं आधा कप जो है वो दूध ऐड कर दूंगी ताकि जो ये प्याज है ये बढ़िया से ना ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ऐड कर दिया है, नॉर्मल दूध जो भी आपके घर पर आता हो। तो इसे हमें ना ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। नेक्स्ट, अब कढ़ाई में तेल जो बच गया था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैंने क्या किया, इस तेल को छान लिया, उसके बाद दोबारा से कढ़ाई में ले लिया और उसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे कि हर सब्जी में ऐड किया जाता है शुरू में। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 लौंग। तो खड़े मसाले फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन खड़े मसालों से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रेसिपी में। और हलवाई भी इसी तरह से ना खड़े मसाले ऐड करते हैं। 2 इलायची मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो गैस की फ्लेम जो है मैंने यहाँ पे लो कर दी है, आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ना ऑफ कर दें। 1 बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो देखिए, गैस की फ्लेम यहाँ पे लो है, तो आप चाहें तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें इस स्टेज पर, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। तो अगर ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी ऐड करें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारी ग्रेवी में। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दी है 1/4 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में 2 हरी मिर्च। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से ना भून लेना है ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो देखा आपने किस तरह से ना एक बिल्कुल छोटी सी हमने इसमें एक ट्रिक लगाई है कि हमने अनियन को फ्राई करके इसमें यूज करना है और ये रेसिपी एकदम डिफरेंट हो जाती है। नॉर्मल शाही पनीर किस तरह से बनाया जाता है वो रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है जो हम घर पर बनाते हैं, तो वो रेसिपी भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये हलवाई स्टाइल रेसिपी है फ्रेंड्स, तो इसे आप इस तरह से जरूर बनाएं, एकदम शादी वाला फ्लेवर आप घर पर इंजॉय कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी जो मैंने शुरू में बना करके रखी थी, यानी कि 2 टमाटर को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली है। अब हमें टमाटर को ना अच्छे से भूनना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें प्याज क्यों नहीं पहले ऐड किया, जैसे कि हर सब्जी बनाने में पहले प्याज ऐड किया जाता है। वो इसलिए ऐड नहीं किया फ्रेंड्स क्योंकि प्याज को ना हमने पहले ही फ्राई कर लिया है, तो प्याज को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। प्याज को हमने फ्राई करके उसका पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। तो अभी यहाँ पर टमाटर जो है वो कच्चे हैं, इसलिए टमाटर को पकाना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए टमाटर जो है अब हमारे बढ़िया से पक गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, ताकि हल्का सा टमाटर जो है ना अगर कच्चा भी है तो वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि नमक डालते ही टमाटर बढ़िया से गल जाते हैं। अब इसे अच्छे से ना हमें पका लेना है। तो जैसे ही ऑयल रिलीज हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन का पेस्ट जो हमने बना करके रेडी किया था दूध के साथ। सारा अनियन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने अनियन थोड़े ज्यादा फ्राई किए थे इसलिए इस पेस्ट का कलर थोड़ा सा डार्क है। अगर आप कम फ्राई करेंगे तो इसका जो कलर है वो हल्का व्हाइट रहेगा, जैसे कि व्हाइट ग्रेवी बनाने में बनता है। और अब देखिए अच्छे से हो गए ना ये फ्राई, हमारा प्याज तो पका हुआ ही था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे काजू का पेस्ट। तो मैंने 10 से 12 काजू भिगो करके रखे थे गर्म पानी में, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो एकदम रिच ग्रेवी बनती है फ्रेंड्स, एकदम शादियों वाली ये रेसिपी रेडी हो रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। आप इसे पूरी पराठा, लच्छा पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपको इसे खाने में, बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, तो एक बार इस रेसिपी को ना आप ज़रूर ट्राई करें। और अब देखिए काजू जो है वो यहाँ पे कच्चा है, तो उसे हमें अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे ना मैं ऐड कर रही हूँ पानी, तो मैं उसी बॉल में पानी ऐड किया था जिसमें हमने काजू का पेस्ट रखा था, क्योंकि थोड़ा सा भी काजू का पेस्ट हमें वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी जो है वो पानी ऐड किया है और इसे ना मैं अब अच्छे से पकने दूंगी। हमें काजू को भी ना अच्छे से भूनना है। आप चाहे तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को कम करके इसे ढक्कन लगाकर आराम से पकने दें। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मसाले तो जाएंगे ही। तो मसालों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जाएगा किचन किंग जो हलवाई ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून किचन किंग ऐड कर दिया है। इसके बाद आपके पास जीरा पाउडर हो तो वो ऐड कर दे। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और इसी के साथ 1 टीस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर धनिया पाउडर आपके पास भुना हुआ हो ना, पहले से धनिया भुना हो उसका पाउडर बना हो, तो और बढ़िया बात हो जाती है। और देखिए अब मैं इन सब मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो फ्रेंड्स किचन किंग हलवाई जरूर ऐड करते हैं, उसी से इसमें फ्लेवर आता है, तो वो आप जरूर ऐड करें। और देखिए कितनी रिच इसकी ग्रेवी लग रही है। तो अब हमें क्या करना है ना, इस ग्रेवी को हमें पकाना है ताकि अच्छे से ऑयल जो है वो छूट जाए, इसमें बढ़िया सा ऑयल रिलीज हो जाए और हमारे जो काजू है, जो टमाटर है, वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसे ना ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम लो रख दें और इसे बीच बीच में ना चलाते रहें। तो देखिए यहाँ पे हमारी ग्रेवी पक गई है, ऑयल रिलीज हो गया है। देखिए किस तरह से ना ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, एकदम बढ़िया है ना, एकदम लाजवाब, एकदम रिच ग्रेवी वाली सब्जी जैसे कि शादियों में मिलती है। और मेरा जो किचन महक रहा है ना इस टाइम, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस मन कर रहा है फटाफट से मैं रोटी पूरी पराठा या चावल बनाऊं और उसके साथ इसे इंजॉय करूं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं 200 ग्राम पनीर। तो पनीर आप अपने हिसाब से, अपनी शेप के हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से पनीर को कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े स्क्वायर के पीसेस कट किए हैं। और देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी जो सब्जी है पनीर की, बिल्कुल शादियों वाली शाही पनीर बन करके रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पर आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें पानी ऐड कर लें कम ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। गाढ़ी पसंद हो तो इसे थोड़ा गाढ़ा रहने दें, और अगर आपको थोड़ी पतली पसंद हो तो उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रही हूँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, क्योंकि हलवाई भी इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, वो भी इस सब्जी को जो है वो थोड़ा गाढ़ा रखते हैं। अब हम इसे ढककर 1-2 मिनट पकाएंगे, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और बस फिर हम इसे सर्व करेंगे, क्योंकि पनीर को अगर बहुत ज्यादा पकाया जाए तो वो बहुत कैड़ा सा हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, खिंचा खिंचा सा हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दे फ्रेंड्स, और अब इसे ढककर पका ले। और देखिए मैंने इसे 2 से 3 मिनट पकाया है, ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाए ना, बस हमारी जो सब्जी है वो रेडी है। अब इसमें जाएगा एक मेन इंग्रेडिएंट जो कि है क्रीम। तो ये घर पे रखी मलाई है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे पतला कर लिया है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो क्रीम ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, कई बार इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
और लीजिए हमारी जो सब्जी है या जो शाही पनीर है एकदम शादियों वाला बन करके रेडी हो गया है। इसे आप इंजॉय करें और क्रीम डालने के बाद इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा आधी मिनट के लिए पकाएं और फिर इसे सर्व कर दें। तो आप देख सकते हैं कितनी रिच ग्रेवी वाली हमारी ये सब्जी बनी है, एकदम बढ़िया टेस्टी डिलीशियस। बनाना बहुत ही आसान, बस हल्का सा इसमें रेसिपी में थोड़ा सा चेंज है, रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लीजिए इसे हल्का सा पकाने के बाद मैं इसे सर्व कर दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी शाही पनीर एकदम शादी वाली बनकर के हो गई है रेडी। थोड़े से हरे धनिया से मैंने इसे गार्निश कर दिया है, तो इसे तो मैं एंजॉय करूंगी रोटी के साथ। आप पूरी पराठा लच्छा पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फटाफट से जाइए अपने किचन में और ये रेसिपी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।